हुआ यूट्यूब चैनल द टॉक लवर्स। आज हमारे साथ है मॉडिफाइड स्विफ्ट। आपने रील्स के ऊपर काफ़ी ये देख रखी है ये गाड़ी ऑलरेडी, तो आपको इसका तो पता ही है। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो के अंदर आपको बताते हैं जो जो गाड़ी के अंदर काफ़ी यूनिक मॉड्स भैया ने कर रखे हैं, तो भैया से भी मिलाते हैं आपको जो इनकी गाड़ी के ओनर हैं। तो चलिए लेट्स कंटिन्यू। तो भैया क्या नाम है आपका? भाई मेरा रुद्र मेहता। रुद्र मेहता भैया का नाम रुद्र। आपकी इंस्टाग्राम आईडी तो आपका सबको पता ही है आपकी, तो काफ़ी देखी होगी आपने ये गाड़ी इंस्टाग्राम के ऊपर। तो भैया ये पहले तो आप बताएं कौन सा मॉडल है ये? भाई ये 2012 वीडियो मॉडल है। वीडियो मॉडल, तो थोड़ा सा अंदर आ गया। तो वीडियो मॉडल है तो अपने का न्यू ली थी आपने ये कि सेकंड हैंड? भाई ये मेरी रिलेटिव की कार थी। मैं मतलब भाई पहले पढ़ता था तो इतना कि एक दिन में मेरे लिए ली थी। ठीक है, तो फ्रंट से शुरू करते हैं फिर इसकी। हां जी हां जी। मैं तो अपने हेडलाइट आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवा रखी इसके अंदर। ये तो काफ़ी देखने में बढ़िया है इसके अंदर, जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर एक प्रोजेक्टर लगा हुआ है और हाई बीम के अंदर शायद इसके अंदर नॉर्मल ही है ना। और ये काफ़ी बढ़िया लग रही है इसके अंदर डीएरएल और इंडिकेटर तो इसका नॉर्मल ही है। तो ये इसकी कॉस्टिंग क्या पड़ गई थी आपको? भाई इसकी कॉस्टिंग थी 22,000। पेयर ठीक है। और नीचे तो ये देख सकते हैं डीएरएल। कौन सा मॉडल बताया था आपने? 12 मॉडल। तो आपने बम्पर चेंज करवाया होगा? ठीक है। तो आपको तो जैसे आपको पता ही है कि 2012 का जो बम्पर है वो था वो पुराना बम्पर था, तो भैया ने इसके अंदर 2015 वाला 14-15 वाला बम्पर भी इंस्टॉल करवाया। अगर मैं ये ऑन करता हूँ इनकी नीड नहीं है मुझे ऑन करने की, क्योंकि मैंने वैसे मैं सुना है ये जो प्रोजेक्टर स्विफ्ट के अंदर आते हैं ताइवान वाले ना, इनकी इतनी लाइट्स वगैरह नहीं है, ये सिर्फ लुक वगैरह के लिए होते हैं। तो ये मैंने कहा इससे ज्यादा लाइट तो इसकी होगी प्रोजेक्टर की। या आपको इसकी कॉस्टिंग 6-7,000 पड़ी होगी? हाँ जी। कहाँ से ऑर्डर किए थे आपने? भाई ये मैंने लिए थे, मेरे फ्रेंड ही हैं। ठीक है। ये जलंधर से? जलंधर से हैं वो, अमृत वो लाइटिंग का ही काम करते हैं। ओके ओके। और भैया आपने फ्रंट में ग्रिल वगैरह का नहीं सोचा कुछ? भाई पहले करवाई हुई थी, फिर उससे बोर हो गया, तो आप कुछ पुरानी वीडियोस में देखोगे तो करे, फिर मैंने सिंपल लगवा दी। ठीक है, थोड़ा बोर हो गया। पहले आपने कौन सी इंस्टॉल करवाई थी? जो क्रोम वाली आती है उसको ब्लैक कर। ठीक है, तो आपने आगे लोगों को उठा रखा है इसका? स्मोकी सी फिनिश आती है। मैं आपको एक आइडिया सजेस्ट करता हूँ, आप लोगों लेके उसको ब्लैक क्रोम करवा लो। भाई सोचा था बट वो तब भी शेड मारता है अजीब से। नहीं, गाड़ी के कलर से बहुत मैच करेगा वो। देख भाई देखो ट्राई करते हैं। हाँ वो जरूर ट्राई करें। और आपने शायद आगे रूट्स वगैरह भी लगा रखे होंगे? हाँ भाई, इसके अंदर 3 ट्रम्पेट के सेट हैं। ठीक है। एंड 2 रूट्स हैं। 2 रूट्स और 3 ट्रम्पेट के। तो मैं आप इसको थोड़ा सा सुनाएंगे इसकी साउंड? ये हमारा ऑलरेडी था, ये किसी और का बजा था, आप इसका भी सुनाएंगे। भैया जैसे कि मैं इसको देख सकता हूँ, आपने इसके अंदर 3 ट्रम्पेट लगाए हुए हैं। हाँ जी भाई। नॉर्मली लोग जैसे मैंने भी अपनी गाड़ी के अंदर ये लगाए हैं, तो मैंने 2 यूज़ किए हैं, नॉर्मली लोग भी 2 यूज़ करते हैं, आपने 3 यूज़ किए, इसका भी भाई मेरे को ना थोड़ी जो ट्रम्पेट की साउंड है वो ज्यादा अच्छी लगती है रूस्टर से, हमने आवाज़ सुनी थी। हाँ जी, तो ट्रम्पेट काफी यूनिक सी आवाज़ निकल रही है, जैसे थोड़ा ट्रेन का हो रहा था वैसे। बिल्कुल वैसी थोड़ी ट्रेन जैसी आवाज आ रही है इसके अंदर, मेरे को भी काफ़ी बढ़िया लगी, काफ़ी बढ़िया चॉइस है अपने इसके अंदर इंस्टॉल करवा ली। तो हॉर्न की तो आपको कॉस्टिंग 3,000 प्लस ही गई होगी, क्योंकि मैंने भी जगह लगाए थे 3 और 4,000 के बीच में। इतनी की जाती है, अब तो पहले काफ़ी पहले लगवाए थे, अब तो वैसे ध्यान में भी नहीं है, बट उस टाइम थोड़े सस्ते थे। मैं भी आपको पूछ रहा था कि जो अपनी गाड़ी सारी तैयार करा रही है, ये अपने मतलब वन टाइम सारी तैयार करवाई थी कि धीरे धीरे करके? कभी भी ना मेरे हिसाब से जैसे कार वन टाइम नहीं रेडी हो पाती। बिल्कुल, मज़ा भी नहीं आता। मज़ा भी नहीं आता, जो चीज़ें धीरे धीरे करवाने के मज़ा आता है वो इकट्ठे करवाने में कभी मज़ा नहीं आता। तो चलिए वो तो टॉपिक से थोड़ा हट गए। तो भैया आगे इसके अंदर और आपने कोई मॉडिफिकेशन? नहीं भाई आगे तो वैसे हो। वैसे मैं भैया की प्लेट देख तो नंबर प्लेट भी काफ़ी फैंसी आपने लगा रखी, गाड़ी के प्रोफाइल के साथ पूरी मैच कर रही है। तो अब साइड लुक पे चले जहाँ पर मेन है, तो गाड़ी की साइड प्रोफाइल देख सकते हैं, गाड़ी के जो मेन अट्रैक्टिव इसको बना रहे हैं वो इसकी भैया 18 इंच है ना भाई? 18 इंच 18 इंच लॉय। तो आपने जैसे पहले अपनी शायद 17 इंच इंस्टॉल करवा रखी थी? हां, ये भी वीक पे वीक पहले करते करवाए, आपको बता। मेरी और भैया की काफी दिन से बात चल रही थी, तो अलॉय इस अलॉय के चक्कर में ये वीडियो काफी लेट हो गई कि नहीं भैया? पहले तो बहुत पहले आनी थी वीडियो। सही बात है, वीडियो आपको हम काफी देर पहले ले आ सकते थे, पर इस अलॉय ने काफी लेट करवा दी। तो भैया थोड़ा सा बताएं इसके बारे में, कौन सी कंपनी वगैरह है? पहले वाले थे अलॉय वो 17 इंच थे। ठीक है, 17 इंच थे उनके चक्कर में वो मिला ही नहीं, मैं 90 करवा दिए। ठीक है, 18 इंच। ठीक है, तो भी इसके बारे में थोड़ा सा बॉसन की है ना ये? भाई ये बॉसन के एंड नॉर्मल लॉय कोई भी बंदा डालता तो ऐसे जैसे ब्रॉड में। हाँ जी, 8 इंच होते हैं या 8.5 इंच?
ठीक है मेरे भाई, थोड़ा सा करीब से दिखाया अलॉय को। ये 9 इंचेस ऐसे, ठीक है, ये बहुत यूनिक चीज है। 9 इंचेस अलॉय ऐसे बहुत ज्यादा बाहर आता है। ऐसे 9 इंची है, 9 जे नहीं कह सकते इसको, 9 जे नहीं, ठीक है 9 जे नहीं कहते, 9 इंचेस ठीक है, 9 इंचेस ऐसे ब्रॉड है। हाँ, ये बॉडी लाइन से बहुत ज्यादा बाहर आता है। आपने स्पेसर वगैरह भी कोई इंस्टॉल किया? नहीं भाई, कोई कोई स्पेसर वगैरह नहीं। ये अलॉय वैसे ही बहुत, मतलब वैसे तो स्विफ्ट वगैरह में स्पेसर वगैरह की वैसी जरूरत नहीं पड़ती आपको, बहुत लॉय आते हैं इनके लिए। इसकी प्रोफाइल वगैरह कितनी है? मैं तो अगर इसकी प्रोफाइल पढ़ के बताऊँ तो भाई थोड़ा पास आना। इसको इसकी 225/40/R18 इसकी प्रोफाइल है। अल्ट्रा लो प्रोफाइल है ये टायर भाई आपका? अल्ट्रा लो प्रोफाइल है। तो चलाने में कोई दिक्कत वगैरह इसमें? नहीं भाई, मैंने पहले जैसे मैंने 35 प्रोफाइल भी यूज करी हुई है। 35 भी स्विफ्ट के अंदर? स्विफ्ट के अंदर, स्विफ्ट के अंदर एंड क्रूज के अंदर। क्रूज के अंदर, क्रूज के अंदर 20 इंचेस के अंदर एंड स्विफ्ट के अंदर 18 इंच के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर आपको चलाने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, मतलब जैसे लोग कहते हैं भी आती नहीं, मतलब कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आपको आती होगी कि जैसे खड्डे वगैरह देखना है कि भाई 17 इंच में भी खड्डे फड्डे देखने हैं? पर बिल्कुल 17 इंच, क्योंकि जो कंपनी इसके प्रोवाइड करती है VDA मॉडल में वो 14 इंच का, लेकिन जो 50 अपनी टॉप मॉडल उसके अंदर 15 इंच आता था, नीचे वाला मॉडल में 14 इंच। जो रिम है वो 14 है, जो अलॉय आता है वो 15 है, ठीक है। तो आप थोड़ा बहुत ऑल्ट्रेशन करेंगे तो थोड़ी बहुत तो आपको लुक्स के लिए थोड़ा देखना तो पड़ेगा ही, बाकी गाड़ी काफ़ी बढ़िया लग रही देखने के लिए। हाँ, तो मेन बात करें इसकी भैया कॉस्टिंग कितनी आ गई थी? कॉस्टिंग आपको बताई थी वैसे उस रात को 80,000 भैया की टायर और लॉय दोनों की कॉस्ट है, ठीक है। मतलब और टायर आपकी कौन सी कंपनी का था भाई? ये GT का टायर है, मैंने क्रिएटिव व्हील्स से है। क्रिएटिव व्हील अमृतसर? क्रिएटिव व्हील अमृतसर। आपने जलंधर में नहीं ट्राई किया? भाई उनके साथ थोड़ा प्यार है हमारा, ठीक है। वो मतलब काफ़ी उनकी अच्छी डीलिंग है आपकी, उनके साथ मतलब डीलिंग वगैरह अच्छी बॉडी है। तो मैं देख सकता हूँ आपने टिंट वगैरह भी करा रखा है इस गाड़ी के अंदर, तो भैया चलान वगैरह का कोई डर नहीं? के शौक देखने हैं नहीं भाई, अगर मैं थोड़ा करीब से दिखाएं तो भैया कितने परसेंट है ये? ये सारे फ्रंट सारे 50, पिछला जेट फ्रंट सारे अपने ये 50% पिछला जेट ब्लैक, पिछला जेट ब्लैक। तो हम अपनी वीडियो में ये बिल्कुल किसी को सजेस्ट नहीं करते कि ये टिंटिंग वगैरह कराएं। अगर आपको ज्यादा शौक है तो जालियां वगैरह यूज कर सकते हैं। टिंटिंग आपको पता है जैसे इलीगल है, तो भैया किसी 50% है ना ये? 50% सारे पिछले जेट, ठीक है। आप देख सकते हैं चारों डोर से इसका देख लिया, तो भैया ये क्रोम वगैरह गाड़ी के साथ काफी मैच कर रहा है, मेरे को तो देखने में काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि इसके अलॉय भी सिल्वर फिनिश में, तो क्रोम काफी बढ़िया लग रहा है। तो भैया ये कंपनी का ये आपने खुद लगाया है? भाई ये सारे मैंने खुद लगवाए हैं, ये डोर हैंडल भी, ये डोर हैंडल गार्निशिंग सब खुद लगवाया है, ठीक है। तो साइड में तो आपने और कोई मॉडिफिकेशन? मतलब और कुछ खास काफी जेनुइन नकी का अच्छी ऐसी लगती है, ठीक है। तो चलिए पीछे भी दिखाते हैं, पीछे भी मैंने काफी बढ़िया बढ़िया मॉडिफिकेशन करवा रखी है। तो जैसा कि आप गाड़ी की बैक लुक देख सकते हैं, पहले तो आप इसके अंदर भी टिंट देख सकते हैं भैया, 100% आई है, 100% ठीक है। तो भैया जैसे कि आजकल टिंट है, मैंने भी थोड़ा सा करवाया था अपनी गाड़ी के अंदर, वो कट लगा के करते हैं? नहीं भाई, मैं कभी करा, मैं प्रॉपर सिंगल शीट। इसकी कॉस्टिंग थोड़ी ज्यादा पड़ जाती है ना? हाँ जी थोड़ी। ये आपने कहाँ से करवाई थी? ये भाई लवली लवली भैया से, लवली उनके तो आपको पता ही है टिंटिंग वगैरह, उनको शुरू से उनका टिंटिंग से काम है, काफी बढ़िया करके देखा, मतलब पता नहीं लग रहा अभी ये तो देखने में काफी बढ़िया लगती है, इसका रिस्पॉन्स भी रात को बढ़िया ना, बहुत अच्छा। ये सबसे बेस्ट वाली है, एक आता है इस स्टाइल में, कौन सी जो ऐसे स्टाइल में आती है? ठीक है ठीक है, वो थोड़ी सी टेढ़ी होती है। ये स्मोक वाली है ना? नहीं नहीं भाई, ये रेड वाली है, जैसे मैंने स्मोक इसलिए ये रेड वाली सी ली क्योंकि वो स्मोक और स्मोक में बन जाती है, उतार दो फिर रेड हो जाती है। सही बात है, स्मोक वाली को आपने रेड लेके उसके ऊपर स्मोक कराया, स्मोक कर ये भी सही है आपको। कल को अगर आपको लुक चेंज करनी हो तो आप स्मोक उतार के रेड वाली लुक भी ले सकते हैं, ये भैया ने काफी बढ़िया चीज की है। तो भैया इसकी कॉस्टिंग क्या पड़ गई थी आपको? भाई मैंने उस टाइम लिए थे ये मेरे हिसाब से 11,000 थे, अब 11,000 पे अब थोड़ा सा रेट बढ़ गया है कोरोना करके, थोड़ा सा रेट वगैरह हर चीज़ में रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सही बात, तो फिर क्या करने लगता है इसका इंडिकेटर वगैरह तो इसके अंदर नॉर्मल ही है? हाँ जी हाँ जी, एक आती है फुल LED, उसके इंडिकेटर में भी LED है, बट लेकिन ये देखने में जेन्युइन सी लगती, थोड़ी बढ़िया लगती है, वो ओवर हो जाती है, क्वालिटी नहीं सही, वो उसका रंग फेड हो जाता है, मेरे को वो देखी है मैंने, थोड़ी ओवर भी लगती है देखने में। और भैया नीचे रिफ्लेक्टर? हाँ ये तो भाई 1500 के होंगे। हाँ ये इंडिकेटर वाले हैं ना? ये इंडिकेटर तो हम जला के दिखाएं, ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर तो नॉर्मल इंडिकेटर लेकिन देखने में यहाँ भी काफी बढ़िया लगते हैं। और ये देख सकते हैं आप रिफ्लेक्टर के अंदर रनिंग स्टाइल, हाँ जी, ये काफी फॉग में भी काफी हेल्प करते होंगे रात। हाँ तो मैं पीछे कैमरा भी देख सकता हूँ, ये भैया कैमरा कैसे इंस्टॉल करवाया था भाई? लवली लवली भैया, सारे काम आपके वहीं से हुआ? बिल्कुल।
और आपको लवली भैया की कार की वीडियो को भी सॉरी लवली भैया की शॉप की वीडियो को भी देखनी है पूरा वॉकराउंड वगैरह और प्रोडक्ट्स वगैरह, तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, मैंने उनकी शॉप की वीडियो भी बनाई। तो भैया मेरे माइंड से निकल गया भाई ये जो स्विफ्ट के अंदर ये तो आता ही नहीं है सच। हाँ ये भाई एक बम्पर कस्टमाइज करवाया। ठीक है, आपने बम्पर कटिंग करवा के कस्टमाइज करा करवा के लगाया हुआ है ये, तो इसकी फिटिंग में आपको कभी प्रॉब्लम वगैरह की चलते चलते भाई एक बार पास आके दिखाएंगे ना, बिल्कुल एक्यूरेसी से है ये, आपको पता मेरे को खुद को नहीं पता लगा भाई, ये देख सकते हैं पूरी प्रॉपर एक्यूरेसी से लगे हुए हैं, कोई फिटिंग में कोई कमी नहीं है, कोई कमी पेशी, कोई इसके अंदर गैप वगैरह नहीं है, मेरे को तो पता ही लगा भाई देखने में कि ये आपने पास मानोगे मैंने ऐसे कुछ लोग कटिंग कराने के बाद फिलिंग भी करवा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अभी तक कोई फिलिंग कराई, ये कटिंग ही बहुत। अच्छा, आपको फिलिंग की भी कोई जरूरत नहीं पड़ी? ये लवली भैया, ये भी लवली भैया, ये लवली भैया ने करा, लवली भैया को तो काम बहुत अच्छा, क्या बोले। तो चलिए अब आपको इसके म्यूजिक सिस्टम के बारे में बताते हैं जो इसके अंदर भैया ने पूरा इंस्टॉल करवा रखा है, काफी बढ़िया। चलिए भैया थोड़ा सा इसके बारे में बताएं जो हमने गाड़ी के अंदर अपना जादू रखा रखा है, अगर भाई मेरा थोड़ा सा पास से दिखाई इसके ऊपर। हाँ जी भाई, ये ना दरअसल न्यू बोर्ड की पेटी है। ठीक है, न्यू बोर्ड की पेटी तो सबको पता ही है, बेस्ट होती है। जैसे हमारे ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं कि एक ही बिल्कुल लोग एक ही इनक्लोजर में सारा स्पीकर वगैरह चार चार वूफर ये सब कुछ एक ही में इंस्टॉल करवा देते हैं, जैसे आपकी स्पीकर्स की एंड वूफर्स की ना आउटपुट में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। बिल्कुल, इसीलिए अलग अलग ये भी न्यू बोर्ड ये भी डिस्प्ले ऊपर कपड़े चलवाए, क्योंकि कई बार बार अंदर करो तो न्यू बोर्ड खराब होता है। ठीक है, गाड़ी के भी इसको भी थोड़ा डैमेज कर देता है ये जो प्लेट है इसकी। हाँ, ये सुंदर भी लगता है और अट्रैक्टिव रहता है। अगर मैं भाई को थोड़ा सा पास थोड़ा दिखाऊं तो भैया मैं देख सकता हूं आपने इधर से रिमूव करवा रखी है। हां भाई, क्यों इसके अंदर भाई, क्योंकि इसके सारी डैम्प्ड हुई है ये। ठीक है, सारी गाड़ी डैम्प्ड है, सारी गाड़ी डैम्प्ड है, सारी नहीं ये सिर्फ इसके अंदर है थोड़ा सा, और ये बाद में इस साइड क्योंकि खड़खड़ करता था और ये ऊपर से भी ये हुई थी। ठीक है, ये भी डैम्प हुई थी, ये यहाँ से हुई थी, वो किसी ने ऐसे ही कर दी, मतलब सही नहीं करी, खराब होगी, मैंने उतार दी सारी, चारों डोर धो दी। ठीक है, मतलब पीछे से भी डैम्पिंग इसकी रहती है। हाँ, तो आगे भी इसके अंदर भी दिखाते हैं आपने और कौन से स्पीकर वगैरह इंस्टॉल करवा रखी है। तो चलिए आगे भैया, इसके थोड़ा सिस्टम के बारे में आप बताएं, अपने कौन से स्पीकर वगैरह इसके अंदर इंस्टॉल करवा रखे, कंपोनेंट सारे भाई इसके आगे अभी इन्फिनिटी के कंपोनेंट हैं लगे, इन्फिनिटी के बट मैंने अभी आगे मिड लगवानी है। ठीक है, मतलब चेंज करवाना है आपने भी, सिस्टम करवाना है ये अभी, बस चेंज करवाने हैं मैंने। ठीक है, ये आगे इन्फिनिटी है, पीछे पायनियर के कंपोनेंट्स हैं, पायनियर के कंपोनेंट्स आपको बता ही दिए जैसे, पीछे तो हमने दिखा ही दिया। तो अभी हेड यूनिट भाई, हेड यूनिट है ये तो जैसा कि आप इसके अंदर यूनिकनेस बता रहे थे तो उसका आप जरूर बताएं भाई, ये चीज ऐसे आप ये फ्लिप करता है ऐसे। ठीक है, मैं स्टीरियो के बारे में बता रहे थे, इसके अंदर भी क्या यूनिकनेस है स्टीरियो के अंदर भाई, ये ऐसे ना मतलब फ्लिप करता है, क्या बात है। हाँ जी, जैसे और इसकी एक और खासी, जैसे कईयों की कार का डैश अंदर बाहर होता है, तो आप इसको जैसे डैश अंदर को इसको अंदर बाहर को सेट कर लो। अच्छा, मतलब आप इसकी सेटिंग कस्टमाइजेशन खुद कर सकते हैं गाड़ी गाड़ी के हिसाब से। हाँ, जहाँ मर्जी कर लो, और जब चाबी लगाओगे, अगर मैं ये ऊपर से भी करके दिखाएं थोड़ा सा इसका फ्लिप। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ये तो भैया काफी बढ़िया चीज है इसके अंदर। और जैसे आप जब मान लो आप इसको यहाँ रखते हो, जैसे अभी हमने यहाँ रखी है, मैं चाबी बंद करूंगा ऑटोमेटिक अंदर चल जाएगा। ठीक है, मतलब हमने फ्लिप करना है इसको, भूल गए हैं नॉर्मल में। हाँ, मतलब तो ये खुद अपने आप फोल्ड हो जाएगा, आपने यहाँ सेट करा सेट। ठीक है, ठीक है, तो मैं जैसे अब गाड़ी की चाबी भैया रिमूव करेंगे, बंद कर दी, तो ये खुद अंदर चला जाएगा, देखना अभी ये देख लो खुद अपने आप अंदर चला, और जब चाबी लगाएंगे तो उसकी पुरानी वाली सेटिंग आ जाएगी खुद पे। ये देख सकते हैं खुद ही, ये नॉर्मल सेटिंग पे भैया कह रहे हैं 12 आएगा, 2 सेकंड तो लेता है जब ऑन होएगा तब। हाँ, ये खुद को अपने आप देख सकते हैं, खुद ही बाहर आ गया। तो भैया इसकी कॉस्टिंग वगैरह क्या पड़ गई थी आपको भाई? ये मैंने अपने फ्रेंड से लिया था, उसने मंगवाया था, मैंने फ्रेंड से ले लिया था, उन्हें यूज नहीं करा था, ये 19,000 का लिया था मैंने, 19,000 का, 19,000 काफी बढ़िया भैया, ये तो प्रोडक्ट बहुत अच्छे और पायनियर का ब्रांड वैल्यू आउटपुट फुल। कंपनी ने ही डिसकंटिन्यू कर दिया बिकॉज इसकी सेल ही बहुत थी एंड जो न्यू प्रोडक्ट थे वो सेल नहीं हो रहे थे। सही बात है, इसकी का हाँ, इसकी बेस्ट है आउटपुट मतलब, और ये अपने प्राइस को भी काफी जस्टिफाई कर रहा है, बहुत ज्यादा सर, 19,000 में आपको प्रॉपर मिल जाता है। एंड्रॉइड वगैरह का तो आपको पता ही है फिर, उससे तो काफी बढ़िया है ये, बहुत ज्यादा भाई। तो भैया आप इसके सॉरी अपने इसके हमने ट्विटर तो बताया नहीं, अपने TS-20 भी इंस्टॉल करवा रखे हैं भैया। इस सेंटर स्पीकर मैं देख सकता हूँ, ये कौन सी कंपनी का? ये यामाहा का ओरिजिनल स्पीकर है, यामाहा का। हाँ जी, एंड ये ट्विटर्स की भी एक स्टोरी है, ये जरूर शेयर करें। ये ट्विटर्स जो अपने नॉर्मल मार्केट में आते हैं वो नहीं है,
अच्छा। पाइनर के जो आजकल ट्विटर है ना आ रहे, वो आ रहे हैं उसके जो सिल्वर के, सिल्वर के वो जैसे सबको पता ही होगा खराब हो जाते जल्दी। ठीक है, ये मैंने मतलब कि ये पित्तल वाले पुराने वाले जो पाइनर के पहले आते ना पित्तल के ट्विटर आते थे, मतलब ओल्ड ओल्ड है, ओल्ड सीरीज वाले हैं ये, खराब PS20 ओल्ड सीरीज। हाँ, ये खराब नहीं होते, इनके ऊपर साइन भी वो पाइनर का पुराना वाला ही है। अच्छा हाँ, मैं देख सकता हूँ इसके ऊपर थोड़ी सी ये साइन वगैरह की थोड़ी यूनिकनेस है यहाँ पर। ये पित्तल के हैं सारे अंदर से। ठीक है, मतलब इसकी कॉइल्स वगैरह सारी पित्तल की, पित्तल की हैं। ये मैंने न्यू से महंगे लिए पुराने। तो भैया ये मैं देख सकता हूँ आपने काफी यूनिक सी मॉडिफिकेशन करवा रखी इसके अंदर। हाँ जी भाई, ये भी क्या चक्कर है इसका? ये भाई मैंने सारी ये दिल्ली से करवाया। दिल्ली से? हाँ। ठीक है, मैं अभी इसकी अगर स्विच काट के दिखाऊं, पर ये देख सकते हैं व्हाइट लाइट है इसके अंदर प्रॉपर। आप और जैसे कहीं कहीं की ये चीज काम नहीं करती, इसकी ये कम ज्यादा भी होएगी जैसे होती है। ठीक है, ये मतलब जैसे आजकल न्यू स्विफ्ट में होता है। हाँ, ये आई थिंक इस वाले मॉडल में तो ये ऑप्शन थी नहीं। नहीं थी, बट जैसे जब ये हम व्हाइट करवा लेते हैं ना, लोग बीच में स्ट्रिप घुमा देते हैं। ठीक है, ठीक है, एलईडी स्ट्रिप देसी काम कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने प्रॉपर बल्ब वगैरह इंस्टॉल करा, सारा कस्टमाइज कराया। ये कुछ कुछ देखने में सियाज जैसा नहीं लग रहा? हाँ जी भाई, ये इस चीज पे मान लो कि मेरे पास 300 से 400 डीएम्स हैं इस चीज के। मैंने भी भैया की जब अपनी इंस्टाग्राम के रील्स के ऊपर भैया ने स्पेशल इसके ऊपर एक रील भी डाली हुई कार के, तो वो देख के मैं भी काफी हैरान हुआ था भी, ये तो भैया ने काफी बढ़िया चीज करवा रखी है। सर ये मतलब कि आप क्लेम कर सकते हो कि ये स्विफ्ट अपनी में सबसे पहले हुआ है। ठीक, बाद में मतलब कि हमारे कुछ फ्रेंड्स खास ने मतलब पूछा कुछ भाइयों ने, ठीक है, उनको बताया था, फिर उन्होंने भी करवा लिया। ठीक है, अपने अंदर हुआ वही मैं देख सकता हूँ, काफी यूनिक लग रहा है, काफी बढ़िया लग रहा है। रात को तो इसका क्या ही रिस्पांस आता होगा भैया? बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा। जब आपको पता है स्नैपचैट स्नैपचैट हर कोई यूज करता है। बिल्कुल, तो भैया ये मैं क्रोम वगैरह देख सकता हूँ, ये गार्निशिंग सारी कराई हुई है भैया। ये स्टिकर वगैरह का क्या मतलब? ये भाई मतलब की घर वाले हैं तो ये सरकार का स्टिकर ही मिलेगा नहीं कहीं से। ठीक है, क्रोम वगैरह भी काफी बढ़िया लग रहा है इसके अंदर देखने में। आपने आफ्टर मार्केट ही लगवाया होगा ये भैया ना? जी 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 सर जी। भैया जो आपने इसके अंदर मेन इसका दिल इंस्टॉल करवा रखा है जिसको माइकल DSP कहते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। भैया इसकी क्या कहानी है? भाई ये भी मेरे मैंने मतलब की फ्रेंड से ही लिया था ये, मतलब मेरे को कंसर्ट अच्छा लगता है। ठीक है, सारे को कंसर्ट तो अच्छा लगता है, काफी बड़ी है इसके अंदर। जैसा कि ऐप वगैरह के अंदर तो नहीं, इतना नहीं, होता नहीं, नहीं है, DSP तो फिर DSP हुई है, मजा नहीं आता। तो चलिए भैया दिखाएं इसका भी आउटपुट अब। बिल्कुल जी, तो चलिए कर दो भैया शुरू।
बाकी आपने गाड़ी का आउटपुट देख ही लिया है, काफ़ी डाउन हुआ आउटपुट है गाड़ी का। तो पूरे अंदर आप बैठेंगे तो इसके अंदर भैया पूरे आपके बाल वगैरह तो हिल ही जाएंगे कि नहीं। तो भैया क्या कॉस्टिंग आ गई आपको इसके सारे म्यूजिक सिस्टम की? भाई म्यूजिक सिस्टम की कॉस्टिंग तो जैसे आपको भी पता है, कोई भी हम गाड़ी बंद करें, कोई भी हम जैसे गाड़ी हम रेडी है ना करवाते तो कॉस्टिंग नहीं याद रहती। मतलब आपने वही सेम बात है कि आपने धीरे धीरे करके करवाई है। मेरे साथ फिर भी एक रफ आइडिया अगर हम ऑडियंस को दे दे तो भाई एक डेढ़ के अंदर, एक डेढ़ लाख सिर्फ सिस्टम। ठीक है, वो सिस्टम की बात ही कर रहे थे। एक डेढ़ लाख की क्या कॉस्ट आ गई थी भाई? इसके डीएसपी की कॉस्ट आ गई थी 30,000 डीएसपी की। तो भैया जैसा कि हम देख सकते हैं अभी हमारे साथ थोड़ा अंधेरा वगैरह हो गया है, तो अब हम इसका आउटपुट भी दिखा दें लाइट्स का कैसा रात को इसका। तो भैया आप इसकी जरा जैसे आप अभी देख सकते हैं इसके अंदर सिर्फ अभी DRL इसके चल रहे हैं। तो भैया अभी इसके आप पहला फॉग लैंप ऑन करके दिखाएं। ये चले कर दिया ऑन, ये सिर्फ भैया अभी फॉग लैंप है, सिर्फ फॉग लैंप। क्या बात है, देख सकते हैं काफी लाइट है इसकी। ये तो मेरे को लगा, मेरे को तो पहले लगा था आपने हेडलाइट्स ही ऑन कर दी। मैं भैया को पहले कर लेंगे कि हेडलाइट तो बंद कर दो भैया। ये इसके और इसकी एक और यूनिक चीज है। क्या इसके मैंने फॉग लाइट्स में भी वो डिपर है हाई लो। ठीक है, आपने उसके अंदर भी अपनी सेटिंग नहीं करवाई, अपने डिपर पे रखे हुए वो। नीचे भी डिपर है, ऊपर भी डिपर है। तो भैया मार के दिखाएं डिपर भी इसके अंदर। ये लॉबी में, ये अभी ये के लिए फॉग लैंप की लॉबी में आप देख सकते हैं अभी। तो भैया अभी हेडलाइट्स भी ऑन करें। HID ये थोड़ा गर्म होने को टाइम लेंगे, तो चलिए तब तक आप इसका फ्रंट से लुक देख लें। अभी फ्रंट की जो हेडलाइट की HID है वो थोड़ी सी हीट अप हो रही है। तो ये आप इसके ऐसा इसका फ्रंट लुक है, काफ़ी बढ़िया लग रही है। ये मिल्की वाइट सी लाइट है ना, पूरी प्रॉपर ब्लू नहीं है, काफ़ी बढ़िया। हेडलाइट ऑन कर दीजिए, जब गर्म तो हो ही हुई है। एक बार बंद करके दिखाओ। हाँ भाई एक बार आप बंद करके जरूर दिखाएं, बिल्कुल ये सब कुछ बंद है। अब आप फॉग लैंप ऑन करें, ये इसके फॉग लैंप ऑन हो गए। तो ये लॉबी में ना, ठीक है। अब आप इसके हेडलाइट्स ऑन कर दें, ये हेडलाइट्स। और भैया हाई बीम करें, भैया सामने वाला बंदा तो अंधा हो जाता होगा। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप लो पे ही इसको रखा करें ज़्यादा, और फॉग लैंप ही यूज़ करा करें, हेडलाइट्स की तो ज़रूरत नहीं। तो भैया इसकी क्या कॉस्टिंग आ गई थी आपको, जो इसके अंदर HIDs वगैरह इंस्टॉल्ड है? भाई जो इसके अंदर HIDs हैं वो गावा कंपनी की हैं। ठीक है, गावा कंपनी की। गावा कंपनी के 65। तो जैसे कि आप गावा की बता रहे थे इसकी HIDs, तो इसकी भी क्या कॉस्टिंग? भाई ये 5,550 की पड़ी थी। 5,500 की। 5,500। ठीक है, प्रॉक्स तो गारंटी वगैरह तो इसके साथ मिली हुई। इनकी 2-3 साल की है एंड ये प्लस 65 वॉट्स है। ठीक है, जैसा को पता होगा 55 वॉट्स ही आती है। हाँ जी हाँ जी, ये 65 वॉट्स है। ठीक है, तो काफ़ी भैया सेटिस्फाइड है ना आप इसके? जी जी बहुत। वैसे तो आप अपनी पूरी कार से सेटिस्फाइड है। तो ये तो इसके हेडलाइट्स में होगी ना लाइट HIDs। तो इसके जो फॉग लैंप में लगे हैं प्रोजेक्टर में, वो भैया कौन सी हैं भाई? वो नीचे LEDs पड़ी हैं, BRK BRK की LEDs, वो भी लवली भाई। ठीक है भैया, का सारे का सारा काम लवली भैया से ही हुआ आपका ना, सिस्टम से लेके A to Z सारा काम। तो चलिए भैया आपका आपसे मिलकर काफ़ी बढ़िया लगा, थैंक यू आपका बहुत बहुत हमारे चैनल पर आए। तो भैया की मैं इंस्टाग्राम आईडी वैसे तो आप सबको पता ही है, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी जरूर प्रोवाइड कर दूंगा। भैया को आप जरूर जाके फॉलो करें और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। भैया शेयर आपने करवानी वीडियो, आप सबने भी शेयर करवानी वीडियो, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, काफ़ी मोटिवेशन मिलती है इससे। तो चलिए थैंक यू, ऐसे ही और कंटेंट देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच। तो चलिए ओके भैया। Let's go.